वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स मुझे आते हैं, लेकिन इस एक कमेंट्स में जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया, इसके अंदर मुझसे लगभग एक्ने स्कार्स या गड्ढे के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल एक ही साथ कर लिए हैं। इन्होंने पहले मुझे बेस्ट विशेस दी, उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है, मैंने स्क्रीन पे इनका कमेंट आप लोग को मेंशन किया हुआ है, मैम एक प्रॉपर रूटीन पे वीडियो बना दीजिए एक्ने स्कार्स के लिए कि हमें डर्मा पेन यूज करना है, डर्मा स्टैम्प यूज करना है, डर्मा रोलर यूज करना है, वीक में कितनी बार यूज करना है डर्मा पेन या जो भी टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, या इसको यूज करते समय या उसके बाद फेस पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, नियासिनामाइड कब यूज करना है, जो भी सीरम मैं आप लोगों को मेंशन करती हूँ, साथ में ऑल्टरनेटिव डेज पे ट्रेटिनिन यूज कर सकते हैं बिकॉज आपने बताया था कि स्कार डैमेजिंग के लिए डर्मा रूलर एंड कॉलेजन के लिए रेटिनॉल और ट्रेटिनिन यूज करना है। मुझे कमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है क्योंकि जब भी मुझे कोई कमेंट आता है तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए पूछा जाता है, पहले क्या लगाएं, बाद में क्या लगाएं, कौन सा टूल्स यूज़ करें, इन्होंने सारी बातें पूछ ली है। तो इस सारी जितनी भी बातें हैं, उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये कमेंट होगा, ये क्वेश्चंस होंगे, जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों को नहीं समझ आता होगा क्या पूछें क्या नहीं पूछें, तो ये जो कमेंट है, इस कमेंट के मैं सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगी। उसके बाद उम्मीद है ये जो बाकी पार्ट्स मैंने बनाए हैं इनके डाउट आप लोगों को क्लियर हो पाएंगे। तो फर्स्ट इनका है कि मैं एक प्रॉपर रूटीन बना दूं एक्ने स्कार्स के लिए, उसमें मुझे इन्होंने पहला सवाल पूछा है कि डर्मा पेंट, डर्मा स्टैम्प और डर्मा रूलर तीनों में से क्या यूज करना है। तो इसका मैं पहले आप लोग को आंसर देना चाहूंगी कि आप लोग इनमें से कोई भी एक टूल्स यूज कर सकते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट डर्मा रूलर यूज करना शुरू करा, डर्मा रूलर का जो प्राइस है वो डर्मा स्टैम्प और डर्मा ये जो पेन है इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम है। तीनों टूल्स हैं, उन तीनों का काम करने का तरीका एकदम इक्वल है, तीनों आपकी स्किन को पंक्चर करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है। डर्मा रोलर को राउंड राउंड चलाना है, डर्मा स्टैम्प को जैसे हम लोग मोहर लगाते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, उस तरीके से चलाना है, और जो ये डर्मा पेन है इसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसका पूरा जो प्रेशर है वो प्रॉपर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है, अलग अलग एम इसमें अवेलेबल है, तो आप इसको स्प्रेड कर कर भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग अब मुझसे ये पूछते हो कि इनमें से हम लोग कौन सा यूज करें, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग डर्मा पेन ले सकते हो, डर्मा स्टैम्प ले सकते हो, जिन लोगों को इतना नहीं बजट है तो वो लोग चाहें तो 200-250 तक का डर्मा रोलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्ने स्कार्स के लिए आपको एटलीस्ट 1 mm टू 1.5 mm का डर्मा पेन, डर्मा टूल्स या जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं वो लेना पड़ेगा। दूसरी चीज है, वीक में कितने दिन यूज करना है डर्मा पेन या फिर आप जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, तीनों टूल्स को वीक में एमएम पर डिपेंड होता है। अगर आप 0.5 mm यूज कर रहे हैं तो आप वीकली यूज कर सकते हैं, अगर आप 1 mm या 1.5 mm यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 15 days का गैप रखना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 दिन इसको ड्राई होने में, स्किन को इसको हील होने में लगता है, तो उसके बाद आप इसको इतना टाइम तो दोगे कि जो आप 10 days बाकी प्रोडक्ट यूज करने वाले हो तो आपकी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, स्किन को रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए। कंटिन्यू अगर आप बैक टू बैक डर्मा रोलर करते रहोगे तो हीलिंग के लिए तो उसको टाइम मिलेगा ही नहीं, सिर्फ आपकी स्किन डे बाय डे पंक्चर होती जाएगी। कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिकल वाली बात है, या आप अपनी स्किन को डैमेज ही कर रहे हो, उसके टिश्यू को डैमेज ही कर रहे हो। अगर आप आज डर्मा रोलर करते हो तो उसके बाद आप 5 दिन उसको प्रॉपर केयर दो, प्रॉपर ट्रीटमेंट दो, क्योंकि अभी जो आप प्रोडक्ट यूज करने वाले हो वो बहुत फास्ट काम करने वाले हैं, आपकी स्किन में पंक्चर छेद हो चुके हैं, तो जब आप प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हो तो डर्मिस लेयर तक जाने की पुश होते हैं, कोशिश करते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं। तो अगर 1 mm या 1.5 mm कर रहे हो तो मंथ में 2 बार करना है, अगर 0.5 mm यूज कर रहे हो तो वीक में, वो सॉरी मंथ में आप लोग को 4 बार यूज करना है, लेकिन 0.5 mm से आपको इतना रिजल्ट्स नहीं मिलेगा अगर आपके गड्ढे हैं तो। उसके बाद इन्होंने पूछा है ये यूज करते समय और यूज करने के बाद, मतलब अभी जब मैं यूज कर रही हूँ तब और इसके बाद फेस पर क्या लगाना है। तो जब आपको इसको फेस के ऊपर अप्लाई करना है तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप 1 mm या 1.5 mm यूज कर रहे हो तो जिन लोगों का ये सवाल है नंबिंग क्रीम यूज करना है, मतलब टॉपलप जेल यूज करना है कि नहीं करना है, अगर आप लोग पैन टॉलरेट कर सकते हो तो टॉपलप जेल को बिल्कुल स्कीप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग पैन टॉलरेट नहीं कर सकते, 1.5 mm में फेस के ऊपर बहुत पेन फील होता है, मुझे तो बहुत पेन फील होता है, तो मैं यहाँ पर टॉपलप जेल यूज करती हूँ पहले। तो आप लोग को क्या करना है, एप्लीकेशन से 20 मिनट पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीनर से वॉश करके, माइल्ड क्लीनर से, कोई ड्राई स्किन को करने वाला क्लींजर यूज नहीं करना है, कोई AHA BHA नहीं यूज करना है, ग्लाइकोलिक ऐसा कुछ भी आप लोग को यूज नहीं करना है, फेस को वॉश करो, उसको ड्राई करो, उसके बाद एप्लीकेशन करो उस पर टॉपलेप जेल का, और 20-25 मिनट आप लोग को रिलैक्स करना है, उसके बाद टच करके देखना है, जब फील होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो चुकी है या हमारी स्किन पे पेन फील नहीं हो रहा तो आप लोग को एप्लीकेशन करना है।
उन्होंने बोला बाद में क्या लगाना है, उसके बाद प्लेन पानी से, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद प्लेन पानी से अच्छे से फेस को वॉश करना है, पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडे पानी से करते हो तो बहुत अच्छा, आपकी स्किन को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद मैं विटामिन सी सजेस्ट करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इरिटेशन होता है, थोड़ा सा टिंगलिंग, थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा ईचिंग मुझे भी होता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट होता है, कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होता है। मैं इतने लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें नहीं टॉलरेट हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन सी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग नेक्स्ट डे नाइट से स्टार्ट कर सकते हो। अभी आप लोग अपने फेस पे नियासिनेमाइड सीरम यूज़ कर सकते हो, हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हो। हो गया, यहाँ पर नियासिनेमाइड कब और कैसे यूज़ करें, आप लोग एप्लीकेशन के जस्ट बाद भी नियासिनेमाइड यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों के वो एक्ने स्कार्स के साथ साथ स्किन के ऊपर स्पोर्ट्स रह रहे हैं, एक्ने के मार्क्स रह रहे हैं, स्किन में टेक्सचर अनइवन हो चुका है, स्कार्स अनइवन हो चुका है, आपकी स्किन ऑयली है, तो नियासिनेमाइड जो सीरम होता है आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, आपका जो स्किन में एक्ने का स्कार्स है उसको विजिबल कर सकता है, यानी कि उसको लाइट कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता, उसको डीपनेस को ख़त्म नहीं करेगा, फैड करेगा, जब टोन को फैड करेगा वो टोन को अच्छा बनाएगा, इवन टेक्स्चर को इवन करेगा, तो खुद ब खुद जो स्कारिंग है वो माइल्ड दिखने लगेगी, एक्ने के बाद के जो आपको मार्क्स रह गए हैं, PIH PIE रह गया, ये उनको माइल्ड करेगा, उनको लाइट करेगा, उनको कम करेगा। ये कब यूज़ कर सकते हैं, आप इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग में डेली में आप इसको यूज़ कर सकते हो, विटामिन सी अगर आप सीरम यूज़ कर सकते हो उसके साथ भी आप कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ कर सकते हो, नियासिनेमाइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइजर के साथ, रेटिनो के साथ, लाइको के साथ, जिसके भी साथ आप लोग यूज़ करना चाहते हो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मुझसे पूछा गया साथ में ऑल्टरनेटिव डेज पर ट्रेटिनोइन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, 2 दिन के बाद आपको ट्रेटिनोइन ही यूज़ करना है, वीक में 4 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल के आएंगे जब आप डर्मा रोलर के जस्ट 2 दिन बाद इसको स्टार्ट करोगे। डैमेजिंग के लिए डर्मा रोलर एंड कॉलेजन के लिए रेटिनॉल ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, जब आपकी स्किन में स्कार्स बहुत पुराना हो चुका है तो मैंने कहा है कि आपकी जो डर्मिस लेयर है वहाँ पर कॉलेजन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि स्कार जो है स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स हो अगर आपको उसको ठीक करना है या आपको उसको अच्छा बनाना है स्कार्स को या किसी भी प्रॉब्लम को, तो आपकी स्किन में कॉलेजन का होना बहुत ज़्यादा हमारे नेल्स के लिए, हेयर के लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, लूजनेस जो स्किन में बन जाता है उनके लिए, आपके बॉडी के सारे पार्ट के लिए, जितना भी पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है ना उन सब के लिए कॉलेजन एक बहुत बड़ी नीड है। ये एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि बॉडी बनाता है, लेकिन एक एज के बाद या एक जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी स्किन के अंदर कॉलेजन ये जो प्रोटीन होता है ये धीरे धीरे कम होता जाता है, इसको बनाने के लिए हमें सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, इसको इनहेल करना पड़ता है, आप इसको और इनहेल भी कर सकते हो, आप इसको फॉर्म में भी लगा सकते हो बॉडी पे, मतलब किसी भी जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप इसको बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, तो ये है, इसलिए आपको रेटिनॉल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप डर्मा रोलर जब इसको यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को ये इंडिकेट करता है, आपकी स्किन को ये मैसेज पहुंचाता है कि स्किन में यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, जो स्कार्स है वो बहुत पुराने हैं, अभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जब हम लोग ये करते हैं पंक्चर करते हैं स्किन को डर्मा रोलर से, तो वहाँ पर नीचे मैसेज जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इसको हील करो, हील करो, हील करो, हीलिंग होना शुरू होता है, तो जब आप ये रेटिनो ट्रेटिनो यूज़ करोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी आपका डर्मा रोलर वहाँ जा चुका है तो कॉलेजन इंजेक्ट हो रहा है, जब आप रेटिनो लगाते हो तो कॉलेजन और ज़्यादा बढ़कर आएगा, तो आपके रिजल्ट भी बढ़कर आएंगे। उम्मीद है ये जो भी थे इनको अपने कमेंट का जवाब मिल चुका होगा, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पेशली यही कमेंट मुझसे करना होगा या उनको आंसर नहीं मिल रहा होगा, तो ये सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल चुके होंगे, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो लगता है यूजफुल है, पसंद आता है, वीडियो को लाइक करके जाना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है NewRashi123 के नाम से, अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, अगर अभी तक तो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहो, और अगर इस रिलेटेड आपको और वीडियोस वॉच करने हैं, जानना है, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी है, उसमें एक्ने एक्ने स्कार्स के वीडियोज़ अपलोड किए हैं, डर्मा रोलर के वीडियोज़ अपलोड किए, आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं।